ही सवाल आप पूछ रहे थे कि हम जो जवाब दिया गया था तो सिर्फ वैकेंसी कब आएगी वो दिया गया था, लेके किसको वो नहीं कहा गया। हम लोग मांग पत्र में दिए थे कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 5 सेंटर का रद्द किए हैं, क्या 5 ही सेंटर में बुकलेट खुला मिला हुआ था, या जहाँ के विद्यार्थियों को बंधक बनाया गया था वो एग्जाम नहीं दे पाया उसको तो फिर तो देने नहीं दे रहे हैं आप, वो मेरे लिए लड़ा आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, उन 5 सेंटरों पे ही रद्द किए जहाँ विरोध किया गया, और सेंटर बहुत सारे हैं मैडम जहाँ आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो खुलेआम चला धांधली वहाँ तो आप रद्द नहीं किए। लैब असिस्टेंट की बात करते हैं, पीजीटी की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ऑनलाइन एग्जाम हुआ मैडम, हर सेंटर में पता है कि आईपी एड्रेस एक्सेस चलता है, बहुत सारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, मैं फाइनली को अगर जेसीसी ईमानदार है तो एजेंसी इसमें फॉल्ट है, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन है तो कोई भी कितना ही बिरलेंट स्टूडेंट हो वो 15 मिनट में क्वेश्चन कभी नहीं मार सकता या 20 मिनट में, हो सकता है अगर सरकार इस पे जांच करवाना चाहती है अब तो एजेंसी का जांच करवा लीजिए कि कोई स्टूडेंट 135 क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट में कैसे टच कर सकता है। आप ये तो सॉफ्टवेयर में जो स्टूडेंट क्लिक किया आंसर उसका ऑप्शन चेंज हो जा रहा है तो सोचिए सिलेक्शन किसका हो रहा, उस पे तो आप जवाब नहीं दिए, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम हमेशा विरोध करेंगे और यहाँ से हो सकता है कि हम गवर्नमेंट का भी विरोध करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हजारीबाग जाने वाली है और हजारीबाग जाके कहती है कि मुर्गी पालन कीजिए बकरी पालन कीजिए, शैक्षणिक राजधानी हजारीबाग को कहा जाता है झारखंड की, वहां की अगर युवा ये सारे करने लगेंगे तो मुर्गी पालन अगर तो क्यों पढ़ाई करते हैं मैडम, इसीलिए हम सारे युवा को अनुरोध करते हैं कि हो सके तो मुख्यमंत्री का बहिष्कार कीजिए, वो 18 तारीख को जाएंगे इचाक हजारीबाग इचाक में सरकार आपकी द्वारा योजना के तहत, युवाओं को हम कहते हैं 10 रुपया हजारीबाग से भाड़ा लगता है या जाके मुख्यमंत्री का विरोध किए जब तक ये तीनों एग्जाम पे वो जांच ना करे अच्छी तरीके से और लोगों को सेटिस्फाई ना हो, चूंकि खुले आम चल रहा है धांधली मैडम, हम अभी मांगे की आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ किस चीज पे दे, कंडक्ट करवाती है एजेंसी एग्जाम, आंसर की देती है एजेंसी, और जो क्लिक किया हुआ वो आंसर चेंज कर किया कौन किया एजेंसी किया, हम प्रूफ कहां से दें, हम कोई एजेंसी तो नहीं है। तो हजारीबाग का जो युवाओं का मेन आंदोलन रहा है वो करप्शन फ्री लेकर रहा है कि एग्जाम तो हो, एग्जाम तो होगा, सरकार के पास टाइम ही नहीं है उसको एग्जाम लेना पड़ेगा, आधार क्या रहेगा फिर वोटिंग पे जाने का, ठीक है तो एग्जाम लेगी लेकिन फेयर तरीके से एग्जाम हो, यही हम मांग करते हैं फेयर तरीके से एग्जाम हो और आंदोलन इसी के आधार पे हमेशा चलेगा, अगर सरकार चाहती है कि सच में युवाओं और गरीबों को जॉब मिले तो इसकी जांच करवाए कोई अच्छी एजेंसी से, तीनों एग्जाम जो हुए चारों एग्जाम उसमें करप्शन बड़े लेवल पे हुआ है पता चलेगा, चूंकि हम एजेंसी नहीं है, अगर कहा जाता है ना कि धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगा होगा, अगर हजारीबाग में और हर जगह अगर हल्ला है करप्शन का तो करप्शन हर जगह हुआ है, ऐसा बात नहीं है, आप युवाओं से मांगते हैं प्रूफ, एजेंसी थोड़ी है, युवा पढ़ाई करे, युवा आंदोलन करे, युवा आंसर की के लिए लड़े, हर चीज के लिए युवा लड़े, तो भाई एजेंसियों को क्यों बना के रखें आप, सीआईडी ये वो है, क्यों साइबर क्राइम को बना के रखें, करप्शन बड़े लेवल पे हुआ ये जानिए और इसका आप लोग भी विरोध किए करिए, युवाओं का इंटरव्यू लीजिए करप्शन कहाँ हुआ है, अगर करप्शन ना होता मैडम तो हम बोलते हैं हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि लड़कियों के शादी में जमीन बेची जाती है, अगर लड़कों के जॉब में जमीन बेची जा रही है आंसर की आने के बाद जॉब जमीन बेची जा रही है मेरिट सीट आने के बाद बेची जा रही है तो करप्शन खुलेआम हो रहा है, ये फिक्स है मैडम, इसको रद्द किया जाए सारे एग्जाम को, मैं यही मांग करता हूं और फिर से एग्जाम ले और ये एजेंसी से नहीं होगा, हम जान रहे हैं इस एजेंसी के बारे में, नहीं हो पाएगा इससे फेयर तरीके से एग्जाम।